हेलो फ्रेंड्स, सोनास की ट्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम ये वाला कलर स्टोरन का डिज़ाइन, जो कि हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से सारा ये पत्तियाँ बनानी है, सब कुछ बताया हमने आपको। अब यहाँ देखिए, हमको इसको स्टिच करना बताएंगे। इस पत्तियों को इसमें इस तरीके से स्टिच करेंगे, वो भी ये देखिए, इस सुई में हमने धागा डाल लिया है, थ्रेड डाल लिया नीडल में। अब इसमें हम ऐसे इसको स्टिच करना बताएंगे। तो यहाँ से देखिए, इधर से ग्रीन साइड से उधर से स्टिच करेंगे इसको पतला। इधर से हल्का धागा लेंगे और उधर से एक बड़ा सा, ऐसे देखिए, इधर से ऐसे और इधर से थोड़ा सा बड़ा, ताकि थ्रेड दिखे नहीं। इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे, ऐसे देखिएगा, ऐसे इसको, और इधर भी येलो के पास यहाँ भी स्टिच करेंगे इसको इस तरीके से। बहुत ही ईजी है इसको स्टिच करने के बाद। ये देखिए, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे। सेम यही प्रोसेस करना है इस साइड भी। पत्ती को इस तरीके से सीधा रखेंगे, देखिए, देख लेंगे कौन सा ये सीधा है, तो इसको भी उसी में स्टिच कर देंगे ताकि और मजबूत हो जाए इस तरीके। उसके बाद आपको इसकी आउटलाइनिंग करना बताएंगे कि किस तरीके से इसकी आउटलाइनिंग करेंगे हम। तो ये देखिए, इस वाले को, इस पत्ती को ऐसे पकड़ के इसी पर इसमें इस तरीके से देखिए, इसी में डाल के ऐसे इसको भी इसी में स्टिच कर देंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए इस तरीके से। ये देखिए, फिर इसमें और इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इसको और इधर करके इस जगह पे ऐसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा मजबूत इस तरीके से। स्टिच करने के बाद उस साइड भी इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए मजबूत हो जाएगा ऐसे करके इस तरीके से। आप देखिएगा, इस थ्रेड को हम इधर से कट कर देंगे ऐसे, इसमें डाल के ऐसे करके इसमें से इसको हम कट कर देंगे। और सेम ऐसे ही थ्रेड डाल के हम उस साइड भी इसको स्टिच करना बताते हैं कि आपको देखिए किस तरीके से। उधर भी जैसे सेम प्रोसेस यही, जिस तरीके से हमने इधर स्टिच किया है, सेम उधर भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे हम थ्रेड को कट करेंगे। देखिए, बाद में हम जितने थ्रेड एक्स्ट्रा हैं उनको हम कट कर देंगे। पहले हम ऐसे इस येलो वाले को भी कट करेंगे, पहले हम इधर का करने के बाद। ये देखिए, ये ज्वाइंट हो गया। उसके बाद से फिर सेम वही प्रोसेस करना है इधर भी। ये देखिए, अब यहाँ पे इस वाले को, इस वाले पत्ती को लेके यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और फिर इसको भी यहाँ पे स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो इधर से देखिए, ऐसे गांठ लगाएंगे इसमें डाल के, ऐसे इसमें गांठ लगा के, और फिर इसको भी सेम वही प्रोसेस जिस तरीके से हमने वाला स्टिच किया था, सेम वैसे इसको भी स्टिच कर देंगे। देखिए देखिए, हमने इस तरीके से इसको दोनों पत्तियों को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसकी आउटलाइनिंग करना बताएंगे। देखिए, लेफ्ट साइड में पत्ती को स्टिच कर लिया, हमारा कलश बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसकी आउटलाइनिंग करना बताएंगे और किस तरीके से बीच में हम ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, निशान बनाएंगे, डिज़ाइन, वो बताएंगे आपको। देखिए, हम आउटलाइनिंग इसकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से इसकी आउटलाइनिंग करेंगे हम। यहाँ से इधर देखिए, इस थ्रेड को, येलो वाले को खींच लेंगे इसमें, और फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे इस तरीके से यहाँ पे एक दो चेन लेंगे। और देखिए यहाँ पे एक दो और चेन को लेके तीन हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे रख के देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये आएगा यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर एक और चेन, इसी जगह पे तीन चेन लेके, फिर यहाँ पे एक दो इस तरीके से। आप चाहे तो पतला मोटा जितना आपको चाहिए उस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, दो हमने चेन लिया और फिर यहाँ पे बनाएंगे एक दो और एक चेन को लेके तीन। फिर इसको लेके आएंगे हम और यहाँ पे इस तरीके से स्लिप चेन से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर एक दो चेन लेंगे और फिर यहीं पे हम जहाँ चेन बनाएंगे वहीं पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक हो गया और ये दो और ये तीन। तो यहाँ
देखिए थोड़ा सा मोटा बना दिया हमने, चार का कर दिया है, तो इस तरीके से डिज़ाइन है इसकी। उसी तरीके से पूरा हमको ये कवर करना है, पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे एक दो चेन लेंगे और फिर यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, एक दो, दो हो गया और ये तीन, तीन और एक चार हो गया। चेन को लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इससे हम स्लिप चेन लेके इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर एक और दो चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इसको हम एक दो और ये तीन, इस तरीके से हम पूरी इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे आके स्लिप चेन से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने उसमें किया है सेम वही प्रोसेस, उसी तरीके से आउटलाइनिंग करेंगे इसकी। हम एक दो तीन चेन लेंगे और फिर इसमें ऐसे ही येलो वाले से आउटलाइनिंग करेंगे और उसके बाद से फिर देखिए दो हो गया और ये तीन, तीन बार आउटलाइनिंग कर लिया हमने। देखिए यहाँ पे इसे ला के देखेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। फिर एक चेन और दो चेन लेंगे और फिर यहीं पे बनाकर फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम, यहाँ तक आकर फिर बताते हैं आगे कैसे क्या करना है। कि यहाँ तक हमने इसको, यहाँ तक देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ से, और यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया है। फिर एक चेन बना लेंगे और फिर यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, दो हो गया, एक चेन को लेके तीन, और देखिए इसको यहाँ पे इस जगह पे स्लिप चेन से इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक दो तीन चेन ले लेंगे और फिर यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से, एक और ये दो, और एक उसको मिला के चेन को यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्लिप चेन से ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे एक दो चेन लेंगे और फिर सेम यही प्रोसेस करते हुए बुनते हुए उनको बनाते हुए चले जाना है इस तरीके से। देखिए ये हो गया, फिर यहाँ पे कॉर्नर पे इसको स्लिप चेन से इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे और फिर यहीं से इसी वाले चेन में डाल के दो और एक तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसको इस वाले में ऐसे स्लिप चेन से इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर देखिए एक दो तीन इसी जगह बनाएंगे और फिर इसमें इसे निकाल के एक दो और ये तीन, इसी तरीके से पूरी हम पत्तियों की आउटलाइनिंग करते हुए जाएंगे वहाँ तक बताते हैं। और फिर इसी तरीके से हमारे ये देखिए यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ से स्टार्ट किया था ये पूरा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर हम चेन बना लेंगे और यहाँ पे ये देखिए एक दो और ये चेन को लेके तीन हो गया, तो ये तीन बार हो गया। उसके बाद से इसको भी हम यहाँ पे स्लिप चेन से इस जगह पे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ से एक चेन लेके और फिर इसी में हम बनाएंगे एक और ये दो, दो बनाने के बाद फिर इसको इसी में यहाँ पे स्लिप चेन से ऐसे ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। फिर एक दो लेंगे और फिर इसी में बनाएंगे एक दो, इस तरीके से बनाएंगे। दो बनाने के बाद देखिएगा आप क्या करना है हमें, ये जो हमारी पत्ती है यहाँ पे हम इसको चेन से इसमें ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर यहाँ पे बनाएंगे और फिर इसी में निकाल के ऐसे एक और ये दो, इस तरीके से निकाल के फिर इसमें ऐसे डाल के इसको स्लिप चेन से ज्वाइन करेंगे। एक दो इस तरीके से करेंगे और फिर इसी में डाल के ऐसे देखिएगा एक दो, और ये देखिए फिर इसी में ऐसे डाल के यहाँ पे इस जगह पे, तो इसी तरीके से हम बनाते हुए देखिए ऐसे इसको कवर करते हुए पूरा हम चले जाएंगे। बस आउटलाइनिंग करनी है हमको इस तरीके से, यहाँ पे आना है, यहाँ से फिर ऐसे आना है, ऐसे आना है इसमें, मतलब टोटल जिस तरीके से गया है इसका स्ट्रक्चर सेम वैसे ही हमको इसकी आउटलाइनिंग करते हुए चले जाना है। तो देखिएगा अब ये हम पूरा आपको ये आउटलाइनिंग करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए आ गए हम, यहाँ पे ये पत्ती हमारी पूरी आउटलाइनिंग हो गई। यहाँ देखिए बीच में हमने ऐसे बनाया इसको इस तरीके से। अब देखिए दिखाते हैं आपको इस स्टूडेंट पट्टी, इस स्टूडेंट डिज़ाइन को आप किसी भी तीज त्यौहार पे लगा सकते हैं, जैसे कि नवरात्र में लगा लीजिए, नवरात्रि में, और या तो फिर लक्ष्मी गणेश का पूजन, दीपावली में लगाइए, जिसमें आपका मन हो उसमें लगाइए। कलश वाला स्टूडेंट डिज़ाइन है ये,
बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। कलश भी देखिए कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। तो इसको आप तीज त्यौहार में लगा सकते हैं, इस तोरण को देखने में बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से देखिए आपस में पट्टियां भी ज्वाइंट हो गई इस तरीके से। तो ये पूरा आपको हम रुकिए यहाँ पे आपको पूरा हम कवर करके दिखाते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमको टोटल इसी तरीके से आउटलाइनिंग करते हुए चले जाना है। देखिए इस तरीके से एक और ये दो बना लेंगे और उसके बाद से देखिए इसको ऐसे करके देखेंगे और आगे वाले चेन में इस तरीके से इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर यहीं से तीन चेन लेंगे, दो चेन लेंगे और यहाँ पे फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर इसको ऐसे ही टर्न हो जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे इस तरीके से। तो इसको हम कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको, यहाँ तक आने के बाद फिर इधर का दिखा देते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर कंप्लीट करके बताएंगे कैसे क्या करना है। फिर यहाँ पे तीन चेन लेंगे या दो चेन लेके फिर यहाँ पे बना लेंगे एक और ये दो इस तरीके से लेने के बाद ये देखिए। और फिर इसको देखिएगा यहाँ पे हमारा थ्रेड फंस गया है इस तरीके से लेके, फिर यहाँ पे इस वाले में ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरीके से करते हुए पूरा हम ये कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं आगे कैसे क्या करना है। ये देखिए हमने इसकी आउटलाइनिंग कर ली पूरी टोटली। देखिए यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, यहाँ इस जगह से स्टार्ट की थी, ये थ्रेड देखो यहाँ से स्टार्ट किया था। और ये देखिए मैं पूरी इसकी आउटलाइनिंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम स्वास्तिक का डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पर और उसको डेकोरेट करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे, तब जाके ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।